प्रैक्टिस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2016 की घोषणा हुई। इस मौके पर प्रैक्टिस मीडिया ने एजुकेशन कनेक्ट के साथ साथ 5 अलग अलग स्तरों पर 75 विजेताओं को सम्मानित किया। उन्हें ये सम्मान उनकी उपलब्धि, समर्पण, नैतिकता, नवाचार, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान और उत्कृष्टता के लिए दिया गया। ज्ञान और दूरदर्शिता का सार प्रस्तुत करने के लिए 5 अलग अलग स्तरों पर लगभग 75 विजेताओं को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार 2016 की घोषणा की। भारत के अग्रणी मीडिया और विपणन समूह प्रैक्सिस मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने नई दिल्ली में शिक्षकों को उनके उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उनके सम्मान में समारोह की घोषणा की। 5 अलग अलग स्तरों पर तकरीबन 75 विजेताओं को उनकी उपलब्धि, समर्पण, नैतिकता, नवाचार, शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इस समारोह में कई गणमान्य अतिथि भी मौजूद रहे, जिसमें पूर्व सांसद अमर सिंह, पूर्व वित्त मंत्री भारत सरकार अनिल शास्त्री, दिल्ली के विधायक अलका लांबा और सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार शामिल रहे। मेरे कहने का मतलब यह है मेरे दोस्तों, अगर आप अपने संस्थान को इस पर फोकस न करके कि कितना ज्यादा से ज्यादा इस साल एडमिशन होता है, कितना ज्यादा से ज्यादा पैसा आ जाता है, एक से कितने दो नए या दो से कई 10-20 इंस्टीट्यूशन खोले जाए, उससे ज्यादा अच्छा है कि आप वहां पर छात्रों को कैसे पढ़ाते हैं, कैसे उनमें इनोवेटिव आइडिया लाते हैं, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सरस्वती कैसे छात्रों में है, ये महत्वपूर्ण है। और उससे भी महत्वपूर्ण है कि दुर्गा जैसा कॉन्फिडेंस कैसे डालते हैं बच्चों में। ये बच्चे ही आपका ब्रांड का काम करेंगे और आपको ऊंचाई करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर के रूप में जनता टीवी का सहयोग मिला। राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2016 के विजेताओं में अम्बाला के एल निनो इंटरनेशनल प्री स्कूल, दी आरडी वर्ल्ड प्री स्कूल गुड़गांव, चिरंजीव भारती स्कूल, लोटस वैली इंटरनेशनल स्कूल गुड़गांव और तिरुपति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट रतिया रही, जिनको सम्मानित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।